Assalamu alaikum. Here we will discuss a new topic that is basically similar triangles. ठीक है, अब देखिए the word similar means same. ठीक है, अब आपसे अगर triangles में similarity का पूछा जाता है तो basically इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे दो triangles given हों, for example A B C, और एक और triangle हम मजीद draw कर लेते हैं that is D E एंड एफ. ठीक है, और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि डी ई एंड एफ ये ट्राइंगल. देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना वो दिखने में सेम लग रही है बट मेजरमेंट इनकी डिफरेंट है. मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है ए बी सी ये स्मॉल है एज कम्पेयर टू डी ई एफ. तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि जब हम सिमिलर ट्राइंगल से डील करते हैं तो हमारे पास जो फिनोमेना है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल से पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि इक्वेलिटी ऑफ शेप्स एग्जिस्ट इन सिमिलर शेप्स. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ए बी सी एंड डी ई एफ को कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, तो मे बी पॉसिबल, देखें यहाँ पे सिंपल अगर हम कंपेयर करें ना, मे बी पॉसिबल ये वाली साइड अगर टू है तो ये वाली साइड फोर के इक्वल हो. ठीक है, ये वाली साइड अगर थ्री है तो मे बी पॉसिबल ये सिक्स के इक्वल हो, और ये वाली साइड भी अगर टू है तो मे बी पॉसिबल ये फोर के इक्वल हो. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कंपेयर करें ना, तो देखें अगर हम थ्रू आउट डिवाइड करके देखें तो ए बी और ई डी, ए बी और ई डी को जरा डिवाइड करें तो टू बाई फोर आंसर आ रहा है, आंसर वन बाय टू के इक्वल है. ठीक है, फिर आप देखें कि ए सी और एफ ई को देखें. ठीक है, ए सी और एफ ई को डिवाइड करके देखें, तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड करके देखा तो आंसर टू बाय फोर डेट इज वन बाय टू आ रहा है. ठीक है, और फिर आप ऐसा करें कि ये जो बेस है बी सी और डी ई, इन दोनों को जरा डिवाइड करके देखें तो थ्री बाय सिक्स आंसर आ रहा है. जरा इसको कैंसिल करके देखे तो आंसर वन बाई टू आ रहा है. ठीक है, तो मेन फोकस हमारा क्या है, इस लास्ट टर्म पे है. यहाँ भी वन बाई टू है, यहाँ भी वन बाई टू है, यहाँ भी वन बाई टू है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मेजरमेंट्स ऑफ ए बी सी आर हाफ ऑफ बेसिकली एफ डी ई, और यू कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन एफ डी ई आर डबल ऑफ ए बी सी. तो मतलब इन दोनों लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी का मतलब यही होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द फिगर. ठीक है, अब आपने ज्यादातर देखा होगा फोटोग्राफी में इसकी एग्जाम्पल को. ठीक है, मतलब अगर डेली लाइफ हम देखें ना उसमें फोटोग्राफर कैन डिवेलप प्रिंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम द सेम नेगेटिव इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द साइज दीज पिक्चर्स लुक लाइक ईच अदर. ठीक है, वन फोटोग्राफ इज सिंपल एन एनलार्जमेंट ऑफ द अदर, और यू कैन से दैट वन फोटोग्राफ इज सिंपल स्मॉलर देन द अदर. दे आर बेसिकली सेट टू बी इन सिमिलर इन शेप. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी ऐसा है कि इस ए बी सी की जो इनलार्जमेंट है ना वो आपको प्रॉपर इस शेप में दिख रही है, लेकिन उस इनलार्जमेंट में आप देख सकते हैं कि हर साइड जो आपको मेजरमेंट ए बी बी सी सी ए गिवन है उन्हीं का डबल आ रही है. ठीक है, तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में. अब अगर ये जितनी भी मेजरमेंट्स आ रही हैं वो बेसिकली अगर ग्रेटर आ रही हैं, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है सिमिलर ट्राइंगल्स में, हम इनको सेम कहेंगे तो किस बेस पे हम सेम कह रहे होते हैं, तो मजीद हम डिस्कस करते हैं. देखिए अगर दो ट्राइंगल ए बी सी एंड हम यहाँ ले लेते हैं डी ई एफ, ई डी एफ या डी ई एफ, इन दोनों को अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है, तो बेसिकली कौन सा ऐसा रिलेशन है जो होल्ड करता है. आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स में रिलेशनशिप लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हियर इज ए बी एंड सी, और यहाँ पे आप डिफाइन कर लें डी ई एंड एफ.
ठीक है। अगर हम इनको सिमिलर कह रहे हैं ना, तो इतना तो हमें कंफर्म है कि जब हम ए बी को डी ई से डिवाइड करेंगे या मेयरमेंट ए सी को डी ई से डिवाइड करें, डी एफ से डिवाइड करेंगे, या आप बी सी बेस को ई एफ बेस से डिवाइड करेंगे, तो इनका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये सेम आना चाहिए, तब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ए बी सी ट्राइंगल है वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है, और सिमिलर के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो कर्ल साइन है ये हम यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है ना, उनमें रिलेशनशिप ये आता है, देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर when their corresponding angles are congruent. What does it mean? If we are comparing angle A, then angle A should be congruent to angle D. ठीक है, और अगर बात की जाए मेजरमेंट एंगल बी की, तो मेजरमेंट एंगल बी शुड बी कॉन्ग्रेंट। देख सकते हैं आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो बी वाला एंगल जो है वो ई के इक्वल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ई। और अगर आपने सी को कंपेयर करना है, तो सी के लिए भी कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम साइड सेम लोकेशन, तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए मेजरमेंट एंगल एफ के। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में। हमेशा सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होती है वो अनइक्वल हो सकती है, और उन अनइक्वल के रिलेशन में जो उनकी कोरिस्पोंडिंग रेशियोज हैं वो हमेशा इक्वल आ रही होती है। ठीक है, अच्छा अब हम अगर इन्हीं फिगर्स में चाहे ना, हम कह रहे हैं कि इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, व्हाट डज इट मीन? जैसे देखिए ये वाला एंगल 70 है, तो कंफर्म है कि ये एंगल भी 70 होगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल 60 है, तो कंफर्म है ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज के इक्वल होगा। ठीक है, फिर ए एंगल बच जाता है, अगर ए एंगल की बात की जाए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो 50 के इक्वल है, तो कन्फर्म है कि डी वाला एंगल भी 50 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कीमेटिक फिगर जो है वो ये बताती है कि टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर व्हेन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर congruent, but their corresponding sides are not congruent, but their ratio will be equal.